बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से डेटा मांगा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर यह डेटा मांगा गया। सरकार ने डेटा देने के लिए थोड़ा वक्त मांगा। 25 मई तक डेटा तैयार करने का भरोसा यहां पर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से पंचायत सीटें खाली होने पर हैरानी भी जताई। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संकेत दिए कि डेटा कंप्लीट न हुआ तो महाराष्ट्र की तर्ज पर ही चुनाव के संकेत दिए जाएंगे। 23,000 पंचायत पद खाली होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने डेटा से संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं। तो शुक्रवार दोपहर 2 बजे फिर होगी सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव मामले में मध्य प्रदेश सरकार से ओबीसी आरक्षण से संबंधित डेटा मांगा है।